अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। मेरे चैनल जरीन मल्टीफूड जायका में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मोमोज की रेसिपी, जिसके लिए मैं ले ली हूँ। सबसे पहले आटा गूनने के लिए मैंने मैदा ले लिया है। इस कप से 2 कप मैंने मैदा लिया है। वेजीज में मैंने लिया है बारीक चॉप की हुई गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप की हुई प्याज, फाइन चॉप की हुई बीन्स और ये चॉप किए हुए कैरेट यानी गाजर। इन सब्जियों में डालने के लिए मैंने 2 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच नमक और ये कुछ चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। चलिए सबसे पहले हम आटे को गूंदकर तैयार कर लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले नमक, और ये तेल डालकर इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तेल और नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह बाइंडिंग हो रहा है ये। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। ये देखिए मैंने आटे को गूंद लिया है, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा घट होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए। ऊपर से तेल लगाकर अब इसे हम ढक कर 1/2 घंटे के लिए रख छोड़ेंगे, जब तक हम सब्जी बना लेंगे। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस सिलगा लिया है, कढ़ाई भी रख दी है। सबसे पहले इसमें ऑयल ज़रा भी नहीं डालना है, हमें सब्जियों को ऐसे ही भूनना है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये सब्जियों का जो भी मॉइस्चर निकलता है इसी में हमें सब्जियों को भून कर बिल्कुल सूखा कर लेना है। ये देखिए प्याज को अच्छे से भूनना है, उसके बाद हम दूसरी सब्जियों को डालकर भूनेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें ये गाजर और बीन्स को डालकर अच्छे से भूनेंगे इसे भी, जब तक इसका मॉइस्चर निकल कर खत्म ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे तेज आंच पर। हमें ये काम तेज आंच पर ही करना है। ये देखिए गाजर और बीन्स भी अच्छे से सूखे हो गए हैं भूनते भूनते। अब हम इसमें शिमला मिर्च और गोभी डाल देंगे। इसे भी मिक्स करते हुए अच्छे से हम भून लेंगे, जब तक ये बिल्कुल सूखा ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे ही तेज आंच पर भूनते रहेंगे। ये देखें शिमला मिर्च गोभी हमारी सभी सब्जियां अच्छे से भून चुकी हैं। अब इस टाइम पर हम ये मसाले डाल देंगे सूखे, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च 2 चम्मच और 1 चम्मच नमक। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम तेज आंच पर इसे भी अच्छे से सूखा होने तक सेक लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां सभी नमक के साथ भी भून चुकी है, ये कढ़ाई में लग रही है। हमें इतना भूनना है, अगर आप चाहें तो इसमें चिकन को बॉईल कर श्रेड करके इस टाइम इसमें डाल सकते हैं, वो चिकन मोमोज हो जाएगा, लेकिन मैं वेज मोमोज बना रही हूँ। चलिए इसे अब ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये चीज सॉस डाल देंगे, मेल्ट चीज सॉस है ये, इससे बाइंडिंग भी हो जाएगी और मोमोज का टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम मोमोज को बेलकर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम मोमोज बनाते हैं। ये देखिए मोमोज के लिए मैं इतनी सी लोई बना ली हूँ छोटी सी। अब हम इसे बेल लेंगे, हमें छोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है और बहुत पतला भी नहीं बेलना है हमें। ये देखिए बस हमें इतना ही बेलना है। अब हम इसमें ये वेजीज का मसाला डालेंगे। अब हम इसे मोमोज का शेप दे देंगे बिल्कुल ऐसे।
मैं दो तीन डिजाइन आपको दिखाऊंगी बनाकर, इस तरीके से आप भी बनाकर तलकर खा सकते हैं। ये देखिए हमारा एक मोमोज बनकर तैयार है। अब मैं आपको दूसरा डिजाइन भी बताऊंगी। ये देखिए हमें आधा ही इसके प्लेट लेने हैं, फिर इसे हम ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए ये हमारा मोमोज का दूसरा डिजाइन भी बनकर तैयार है। अब मैं आपको तीसरा डिजाइन भी दिखाऊंगी। ये देखिए इसे हमें हाफ बांध लेना है, उसके बाद हमें इसे ऐसे चिपका देना है। ये देखिए ये हमारा तीसरा मोमोज का डिजाइन। चलिए मैं सभी मोमोज बनाकर आपसे मिलती हूँ। देखिए कुछ मोमोज में स्टीम होने के लिए इस जाली वाली थाली में रख दूंगी। ये देखिए सारे मोमोज मैंने स्टीम होने के लिए रख दिए हैं। अब हम इसे ढक कर रख देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे स्टीम होने के लिए। फ्राइड कर लूंगी यानी तल लूंगी। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये मोमोज तलने के लिए डाल देंगे। चलिए मैं तलकर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे फ्राइड मोमोज और ये स्टीम मोमोज बनकर रेडी हैं खाने के लिए, मोमोज की चटनी के साथ। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगी। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बने हैं और ये अंदर से उतने ही टेस्टी भी बनते हैं, आप ज़रूर बनाकर खाएं दोस्तों। चलिए अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स भी करें। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।